यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ सोया चंक्स और जो है आलू की सब्जी। तो मैं रेसिपी बताने वाली हूँ। तो मैंने जो है सामग्री ले लिया है, मैंने सोया चंक्स को भिगा के और उसका जो है पानी निकाल लिया है, तो निचोड़ के निकाल लिया है। तो मैंने जो है इसको जो है 10-15 मिनट भिगाया था। आलू को छील के कट कर लिया है, 2 प्याज कट किया है और टमाटर, लहसुन, हींग और यहाँ पे लिया मैंने नमक मसाले में, गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। अभी हम चलते हैं, इसको पहले भूनते हैं। गरम होने के लिए रख दिया है, कढ़ाई मेरी गरम हो चुकी है। इसमें मैं अभी डालूंगी तेल। तेल हमारा जो है गरम हो चुका है। अब इसमें मैं आलू डाल के थोड़ी देर इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करूंगी। इसको मैं फ्राई होने दूंगी गोल्डन ब्राउन होने तक। जब तक ये फ्राई होता है तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मसाले के लिए मैंने मिक्सर जार ले लिया, मैंने लहसुन लिया है और उसमें मैं डालूंगी जो है प्याज, प्याज आधा ही डालूंगी। इसमें मैं डालूंगी जो है आधी चम्मच के करीब जो है हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच जो है गरम मसाला, 1 से 1.5 चम्मच ही मैं डालूंगी इसमें धनिया पाउडर, आधी चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, 5 के अनुसार नमक। अब इसको हम पेस्ट, पानी थोड़ा सा पानी डालूंगी, इसको हम पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। मसाला हमारा तैयार हो गया है। ऐसे मसाले बनाने उससे है जो सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मसाला पहले से भीगा हुआ होता है तो टेस्ट इसका अच्छा आता है। इसको हम किनारे रख देते हैं। हमारा बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है, तब तक आलू भी हमारा भून गया। अब हम इसको निकाल लेंगे, ऐसे साइड पर कर देंगे तो किनारे से तेल जो है निकल जाएगा। अब आलू साथ में तेल नहीं आएगा। जो तेल हमारा बचा हुआ है इसी में हम सोया चंक्स को भी फ्राई कर लेंगे। इसको भी हमको गोल्डन कलर में फ्राई करना है। देखिए सोयाबीन, सोया चंक्स भी हमारा जो हथे से भून चुका है। अब उसी आलू में इसको भी निकाल लेंगे। आज को मैंने धीमा कर दिया है और इसको इसी में प्लेट में निकालेंगे। अभी इसी में, इसी कढ़ाई में वापस भी हम तेल जो है डालेंगे, 2 चम्मच, 2 बड़ी चम्मच से। अभी तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैं तेज पत्ता डालूंगी और मैंने कटी हुई प्याज जो रखा था मसाले से बचा के प्याज भी डालेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। दौरान हम जो है मैंने 1 चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है हींग डालूंगी। हींग हमको जब प्याज जो है आधी पर आधी पक जाए तभी ही डालना है, क्योंकि तड़के में डालने से है हींग का जो है जल जाती है, उसका स्वाद नहीं आता है। अब हमारा प्याज ही गोल्डन ब्राउन हो गया है। इस दौरान हम टमाटर डालेंगे।
टमाटर को हम छोटे हरे को फिर से पकाएंगे। टमाटर हमारा सॉफ्ट होने लगा है, अब हम डाल देंगे मसाले जो हमने तैयार करके रखे हैं। मसाले को हम जो है इसकी जब खुशबू आने लगेगी और इसका तेल छोड़ देगा तब तक हम पकाएंगे मसाले को अच्छी तरह से। मसाला हमारा देखिए तेल छोड़ने लगा है, समझिए कि हमारा मसाला जो है भून के तैयार होने वाला है। इस दौरान मैंने लिया है थोड़ी सी जो है मटर, तो मैंने घर में ही स्टोर किया है फ्रोजन मटर, मैंने मटर के सीजन में छील के जो है स्टोर कर लिया था मटर को, तो मैंने वो ही लिया है। आप मार्केट से भी ले सकते हैं और अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो है ये तो ऐसे ही मुझे जो है मटर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं सब्जी में मटर डालती ही हूँ चाहे थोड़ा ही रहे। तो जो है इसके साथ हम इसको भी थोड़ा भून लेते हैं। अभी हमने जो मसाला भून चुका है अच्छे से, हम इसमें जो है सोया चंक्स और आलू जो है फ्राई करके रखे हैं उसको डाल देंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर, इसको मसाले के साथ में भी भून लेंगे। ये बहुत टेस्टी बनती है और इस टाइम में तो सबको ही जो है सब्जी की दिक्कत हो रही है लॉकडाउन की वजह से, तो हम सोया चंक्स और आलू की सब्जी आसानी से बना सकते हैं। अगर आलू ना भी हो तो सिर्फ सोया चंक्स का बनाते हैं तो भी अच्छी लगती है, लेकिन आलू भी है तो कोई बात नहीं है, वो भी डाल सकते हैं। आपको जैसे पसंद हो वैसे बना सकते हैं। तो मैंने आलू के साथ में बनाना बता रही हूँ, ऐसे ही सोया चंक्स का केवल सोया चंक्स से भी बनती है। हमारा मसाला और आलू सब मिक्स हो गया है और थोड़ा भुन भी गया है, तो इस दौरान मैं पानी डालूँगी। मैंने जो मिक्सर लिया था उसमें मसाले थोड़ा लगे थे, वही पानी मैं डाल रहे हैं। इसको हम 15 से 20 मिनट तक जो है मीडियम आंच पे इसको पकाते हैं। इसको मैं ढक देती हूँ, देख लेते हैं। देखिए सब्जी हमारी जो है बन के तैयार हो गई है, मसाला भी इसका गाढ़ा है, ग्रेवी तो बिल्कुल अच्छी तरह पक के जो है तैयार हो गई है। इसमें हम थोड़ी धनिया डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। तो मैं गैस को बंद कर दूंगी। देखिए देखने में बिल्कुल कितनी अच्छी लग रही है, और इसमें भी पूरा ग्रेवी एकदम अच्छे से अब्जॉर्ब हो गई है। और इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। देखिए मेरी सब्जी जो है बनके तैयार है। इसको आप बना के अच्छे से चावल रोटी या जो है पूरी किसी के साथ भी खा सकते हो। तो अभी लॉकडाउन है तो जो है अगर घर में सब्जी नहीं है तो आराम से जो है सोया चंक्स और आलू की सब्जी या सोया चंक्स की बना के खा सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बेल आइकन को दबाने के इसलिए मैं बोल रही हूँ ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अगले वीडियो तक मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।